हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 04। आज हम लोग होम्योपैथिक के वैक्सीन के B44 ड्रॉप्स 44 नंबर के कन्वर्जन ड्रॉप्स के बारे में, होम्योपैथिक दवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बच्चों में जीभ कटने पे दौड़ा के समय एप्सिंथिनम 30 या 200, अगर बाएं तरफ चेहरा घूम जाए तो आर्टिमिसिया 30 या 200, दो बूंद एक चम्मच पानी में डाल के पिलाने से बार बार आधे आधे घंटे पे बहुत जल्दी दौड़ा में आराम हो जाता है। और हाथ पैर में ऐठन के लिए क्यूप्रम मेटेलिकम 200, रात में दौड़ा ज़्यादा आए तो बफोर आना 30 या 200, 5 बड़ों में 5 बूंद, बच्चों में 2 बूंद एक चम्मच बॉयल्ड गुनगुना पानी में बार बार पीने से, या एक कप में दवा बना ले, एक कप में एप्सिंथिनम 30 या 200, दूसरे कप में आर्टिमिसिया 30 या 200, जो बाएं तरफ चेहरा घूम जाता है दौड़े के टाइम में, रात के टाइम में जो दौड़ा आता है बार बार उसमें बफर आना 30 या 200, उसमें साइलिसिया टेनियम या 1000 नंबर या 2000 नंबर, 5 बूंद बड़ों के लिए, बच्चों के लिए 2 बूंद, एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में या एक कप में डुबो डाल दे, उसको लेने से बार बार आधे आधे घंटे पे दवा, दौड़ा में बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। जो जीभ कट जाती है उसके लिए एप्सिंथिनम 30 या 200 बार बार लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। ज़्यादा पैर हिलने पे जिंकम मेटेलिकम 200 या 1000 नंबर, जो औरतों में पल्साटिला 200 मासिक की गड़बड़ी के वजह से जो दौड़ा आता है, सीपिया 1000 या 10000 नंबर पतली औरतों में जो दौड़ा आता है को बार बार देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। जिनके सिर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, खट्टा खट्टा मदबू करता है, उसमें कलकेरिया कार्बटेनियम, फुल मून में साइलिसिया टेनियम, फिर एक हफ्ते के बाद कैलकेरिया कार्ब 1000 या 10000 नंबर, 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में दे दे, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी दौड़ा में आराम होने लगता है। उसमें जिंकम मेटेलिकम ज़्यादा पैर हिलने पे साइलिसिया टेनियम 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी दौड़े में फ़ायदा होने लगता है। और हाथ पैर में ऐठन ज़्यादा हो, मरोड़ हो, पेट में दर्द हो तो उसमें क्यूप्रा मेटेलिकम 200 बार बार देने से बहुत जल्दी दौड़ा कम हो जाता है। बफोर आना 30 या 200, जो रात में ज़्यादा दौड़ा आता है उसमें बफर आना 30 या 200, 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बड़ों को दौड़ा कम हो जाता है। छोटे में 2 बूंद एक चम्मच पानी में बार बार दवा देने से दौड़ा कम होने लगता है। गुस्सा ज़्यादा होने से उसमें गुस्सा के वजह से जो दौड़ा आता है उसमें कैमोमिला 30 या 200, 5 बूंद एक गिलास बॉयल गुनगुना पानी में बड़ों को देने से, और छोटों में एक गिलास बॉयल गुनगुना पानी
बच्चों में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में बार बार देने से बफुराना 30 या 200 बहुत जल्दी दौड़े में कमी होने लगती है। और इग्निशिया 200 में ज़्यादा दुखी होने से ज़्यादा खुशी होने से दुख और खुशी दोनों के लिए इग्निशिया 30 या 200 बहुत अच्छा आराम देती है दौड़ा के मिर्गी के दौड़े में। इसमें सिर में दर्द के साथ साथ मरीज बहुत जल्दी नींद आने लगती है, मतलब नींद में भी सिर दर्द होने लगता है। इसमें लैक्सिस 200 या 1000 नंबर या 10000 नंबर 2 बूंद बच्चों में और बड़ों में 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में बच्चों को 1 चम्मच पानी में देने से दौड़ा ठीक होने लगता है। और सिर में दर्द जो धूप लगने से सिर में दर्द होता है उसमें तुरंत आराम होने लगता है। सेकने से अगर दर्द में और दौड़े में आराम हो तो उसमें मैग्नीशिया 4-6 बहुत अच्छा बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बच्चों में 2 बूंद 1 टिकिया और बड़ों में 4 टिकिया बार बार सुबह दोपहर शाम या 2-2 घंटा या 1-1 घंटे पे आधे घंटे पे देने से बहुत जल्दी दर्द में भी आराम होता है और दौड़े में भी। फॉस्फोरस 30 या 200 जो चक्कर आने से मिर्गी का दौड़ा आता है उसमें मीठा आइटम न खाए, दाल रोटी सब्जी नमकीन आइटम खाए, उससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। उस पर एगेरिकस मस्केरिस भी बहुत अच्छी दवा है, इसमें भी मसल में ऐठन बहुत ज़्यादा होता है, हाथ पैर में बार बार कंपकपी होने लगती है, इसके लिए एगेरिकस मस्क 30 या 200 या 1000 नंबर की दवा देने से 5 बूंद बड़ों में और छोटों में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में और बड़ों को 1 गिलास बॉइल्ड गुनगुना पानी में देने से फड़कन ऐठन सेट वेट डांस नींद में बेचैनी दैविक व्यग्रता में बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। जिनका शरीर धनुष की तरह से ऐठ जाता है दौड़े के टाइम में उसमें साइकुटा विरोसा 30 या 200 बहुत अच्छा काम करती है। हिचकी बार बार बच्चों को आता है, दौड़ा बहुत ज़्यादा आता है और धनुष की तरह से शरीर ऐठ जाता है पीठ की तरफ अखड़ जाता है, तो उसके लिए साइकुटा विरोसा 30 या 200 बहुत अच्छा काम करती है। इसमें सल्फर टेनियम भी दवा बहुत अच्छा काम करती है, 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में दे फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद साप्ताहिक दवा दे, रात में भी खाने के बाद 5 बूंद फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद दवा देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।